नमस्कार फ्रेंड्स, क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल ले आपण मानको स्वागत करुची। फ्रेंड्स, आईआईटी भुवनेश्वर तरफ रिक्रूटमेंट नोटिस आसी जो थे वेरियस कैटेगरी पोस्टर की वैकेंसी रोचे। सो फ्रेंड्स, कौन सब पोस्टर की वैकेंसी रोचे पूरा डिटेल्स इनफर्मेसन ये भिडियो देखा। चैनल जो नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे से बेल आइकन को दबाई दिंतु, आगे यही भाव में नुआ नुआ जॉब अपडेट सर्वप्रथम पाई। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ टा आपण को देखुं, तो यहाँ हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जोटा कि आईआईटी भुवनेश्वर गोटे आप जो रोचे रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पैक, तो इतने कि आप रिक्रूटमेंट नोटिसटा रोचे जोटा आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे ही रोचे। तो इतने कि ऑनलाइन ले ही अप्लाई आप जो कैंडिडेट माने इंटरेस्टेड अच्छा क्वालिफिकेशन अनुसार जदि आपंकर क्वालिफिकेशन अच्छी तेल ऑनलाइन थ्रो रे ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे जॉब टी रोचे। तो फ्रेंड्स, कौन सब पोस्ट रोचे और दरमा के प्रथम देखने देखते आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोटे पोस्टर वैकेंसी रोचे। दरमा आपंकर देखु 1,40,000 टंका पर्यंत सैलरी रोचे। सब पोस्ट प्रायत कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रोचे। तापर आपंकर इन कमिशन एसोसिएट असिस्टेंट मैनेजर गोटे पोस्ट रोचे 40,000-50,000 टंका सैलरी रोचे। नेक्स्ट आपंकर प्रोग्राम एसोसिएट आउ असिस्टेंट मैनेजर गोटे पोस्ट रोचे सेम 40,000-50,000 टंका आपंकर अतिरिक्त सैलरी रोचे। नेक्स्ट आपंकर रोचे टेक्निकल ऑफिसर तीनोटी पोस्टर की वैकेंसी रोचे 40,000-50,000 टंका आपंकर अतिरिक्त सैलरी रोचे। देखंतु जूनियर इंजीनियर टेक्निकल स्टाफ पाए आपंकर गोटी पोस्टर वैकेंसी रोचे। देखंतु एतिरिक आपंकर दरमा 30,000-40,000 टंका दरमा रोचे। ऑफिस असिस्टेंट गोटी पोस्टर की वैकेंसी रोचे 25,000-30,000 टंका सैलरी रोचे। मल्टीटास्किंग स्टाफ रे की गोटी पोस्टर वैकेंसी रोचे। सैलरी आपंकर 18,000-25,000 भितर की सैलरी रोचे। तो यही भाव में आपंकर पोस्ट आउ वैकेंसी रोचे एवं सैलरी रोचे। सब पोस्ट आपंकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे ही आपंकर रोचे। तो आपंकर क्वालिफिकेशन कौन रहा आम देखा देखो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर क्वालिफिकेशन जेकोसी ग्रेजुएशन सहित एमबीए किंबा आपंकर पीजी डिप्लोमा देखु फर्स्ट क्लास आपंकर करियर आपंकर आपंकर एक्सपीरियंस मागा जाउची। देन आपंकर देखु कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपंकर 3 वर्ष रोचे। देन आपंकर एज लिमिट 55 वर्ष पर्यंत आपंकर आपण मानकर वयस होइतले आपण माने एतिरकि अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट रोचे इन कमिशन एसोसिएट बा असिस्टेंट मैनेजर जरा आपंकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट विथ ता सहित एम बी ए किंबा आपंकर पीजी डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास इन करियर। देखंतु आपंकर वर्किंग एक्सपीरियंस एतरे मगा जायछि। देन आपंकर एतरे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे ही जॉब टी रहउछि। 3 वर्ष पर्यंत आपंकर टाइम पीरियड रहउछि। एज लिमिट आपंकर 40 वर्ष पर्यंत एतरे कि एज लिमिट रहउछि। नेक्स्ट आपंकर रहउछि देखंतु फ्रेंड्स, प्रोग्राम एसोसिएट बा असिस्टेंट मैनेजर देखंतु एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट ता सहित एम बी ए बा पीजी डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास करियर आपंकर रिक्वायर्ड आपंकर 3 वर्ष वर्किंग एक्सपीरियंस मगा जाइछि। आपंकर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहउछि 3 वर्ष। अपर एज लिमिट 40 वर्ष पर्यंत रहउछि। टेक्निकल ऑफिसर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी ए बी टेक एम ए एम टेक पी एच डी इन एनी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग फील्ड रे कि आपंकर फर्स्ट क्लास विथ आपंकर करियर आपंकर जो करियर फर्स्ट क्लास होता सहित वर्किंग एक्सपीरियंस मगा जाइछि। 3 वर्ष आपंकर कॉन्ट्रैक्ट रहउछि। नेक्स्ट आपंकर देखंतु पोस्ट फ्रेंड्स, देखंतु जूनियर इंजीनियर बा टेक्निकल स्टाफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बी बी टेक एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास आपंकर करियर मार्किंग रही ता सहित आपंकर वर्किंग एक्सपीरियंस रही। देन आपंकर 3 वर्ष मानने रोचे कॉन्ट्रैक्ट। अपर एज लिमिट 35 वर्ष आपंकर रोचे। ऑफिस असिस्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बा ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास आपंकर देन आपंकर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपंकर प्रिफरेंस गिवन द कैंडिडेट हैविंग इंडस्ट्री एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस जार थिबो। देन आपंकर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 वर्ष पर्यंत रोचे।
ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବ, ଅପରେଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କି ରହୁଛି। ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାୟୋଡାଟା, ତ ଏହିସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଦେଇଛି ତ ଏହାରି ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ଼ କପି ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଜରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 22/8/2023 ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 12/9/2023। ହାର୍ଡ଼ କପି ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ତ ହାର୍ଡ଼ କପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କି ସବୁ ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତେନେ ଏଥିରେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।